हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज का नाम है फार्मा अपडेट्स, यानी कह सकता हूँ फार्मा जॉब अपडेट्स। इस सीरीज के अंदर मैं समय समय पर आपको फार्मा सेक्टर में निकलने वाली नई नई जॉब के बारे में बताऊंगा। इससे आप इस प्रॉपर तरीके से अपडेट रहेंगे, साथ ही साथ आपको प्रॉपर टाइप से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिससे कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा साथ में हैं, तो आप ये जॉब पाएंगे भी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और बात करते हैं हमारी पहली जॉब की। तो पहली जॉब जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो निकली है महाराष्ट्र मुंबई में। फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट जॉब है टीबी डिपार्टमेंट में, मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, जिनके अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ये फार्मासिस्ट की भर्तियाँ निकली है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये भर्तियाँ निकली है, यहाँ पर ये जो भर्ती है, पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो भर्तियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ये परमानेंट बेसिस पे नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। उसके अलावा यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की भर्तियाँ निकली हैं, ये टोटल पोस्ट जो है इसमें वो है 20। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो है बी फार्मा और डी फार्मा, और एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मंथली सैलरी जो होगी आपकी वो होगी 17,000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो लास्ट तारीख है अप्लाई करने की वो है 31 दिसंबर। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पूरा क्लियर कर दिया है, यहाँ पर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है, मतलब परमानेंट नहीं है, तो वो आपको रखा जाएगा। इसमें जो डेट दी गई है वो है 5 नवंबर 2021, मतलब केवल एक साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। उसके बाद आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करा जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको एज के बारे में बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, तो जो हमारे जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले हैं वो 38 साल तक के जो पर्सन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एसटी एससी के लिए 43 साल है, 43 ईयर्स तक वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो है 43 ईयर्स फॉर एसटी एससी, और हमारे जनरल और ओबीसी वालों के लिए है 38 साल। उसके अलावा जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब वो भी 43 ईयर्स तक उनकी मैक्सिमम एज रखी गई है। उसके अलावा जो रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, मतलब एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी, वो 70 साल की एज तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर कोई गवर्नमेंट स्टाफ से, मतलब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ से रिलीज हुए हैं बट उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो बी फार्मा डी फार्मा होनी चाहिए, ये पहले क्लियर कर दिया गया है, तो वो 65 साल की उम्र तक इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 65 है फॉर गवर्नमेंट स्टाफ, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो अधिकतर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ उससे पहले, कि यहाँ पर किसी भी टाइप का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो वरीयता दी गई है आपको वो दी गई है अधिकतर उन लोगों को जो कि पहले अभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, खासकर हेल्थ सेक्टर के अंदर, ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, और वो अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पहले इस जॉब के मिलने के चांसेस उनके काफी ज्यादा होंगे। मैं थोड़ा आपको आगे भी बताऊंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इस जॉब के अप्लाई करने के लिए आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एक एप्लीकेशन लिखनी है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बस आप एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख दीजिए। उसमें आपको पूरा बताना है कि आपका नाम क्या है और पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा रिज्यूम होता है उस टाइप का अटैच करके। आपको कुछ सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगानी है बट वो अटेस्टेड होनी चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट्स ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस विदाउट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी फोटोकॉपी लगा के पूरा आपको सील साइन करके आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 150 रुपये का, ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, और 100 रुपये का रखा गया है हमारे एसटी एससी वालों के लिए। और डिमांड ड्राफ्ट बनाना है मुंबई डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी के नाम पे, फिर से बता रहा हूँ, मुंबई डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और इन सभी को आपको लगा के, मतलब पूरा पैक करके, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है, इन सभी सर्टिफिकेट को की फोटोकॉपी, आपका जो प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन है वो, साथ में डिमांड ड्राफ्ट लगा के आपको एड्रेस में भेजना है। एड्रेस है मुंबई, यहाँ पर आपको एड्रेस दिख रहा है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल इंस्टीट्यूट, बावलावाड़ी, हेड ऑफिस बाबा साहब अंबेडकर रोड, चिंचपोकली, मुंबई 400 4000 12।
इस एड्रेस में आपको पोस्ट कर देना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर किसी भी टाइप का रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू पर्सन को सिलेक्ट करा जाएगा। तो इसकी प्रोसेस बस इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखी है कि यहाँ पर ये जब सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो उन सभी एप्लीकेशन को ये रीड करके यहाँ पर वो एक मेरिट बनाएंगे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, और उन मेरिट्स के पर्सन को फिर वो बुलाएंगे और उनका फिर वो पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो ये जो उनका डिपार्टमेंट है, जो मैंने आपको एड्रेस दिया है, जो इनका ऑफिस है, कंट्रोल इंस्टीट्यूट जो एड्रेस है, वहीं पर ये मेरिट लिस्ट जो होगी वो चिपकाएंगे, उसमें उन बंदों पर्सन्स के नंबर होंगे और उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन ही वो इंटरपर्सनल इंटरव्यू लेके पर्सन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और रखी गई है, किसी कारणवश अगर कोई पर्सन जॉब उसको मिल जाती है और वो अगर जाता नहीं है जॉब के अंदर, या रिज़ाइन दे देता है, या ज्वाइन नहीं करता है, तो यहाँ पर जो पर्सन वेटिंग लिस्ट के अंदर होंगे उनको फिर मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप आज, मतलब आज 29 तारीख हो गई है, अगर आप 30 तारीख को भी अप्लाई करते हैं तो एक दिन ही बचा है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक दिन दो दिन लेट भी जाती है ना तो भी वो कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी टाइप का ऑनलाइन, यहाँ पर किसी टाइप की ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपको भेजनी नहीं है, वाया पोस्ट ही भेजना है। तो यहाँ पर होगा ये कि वाया पोस्ट में क्या होता है, कई बार उनको ही बात पता है, कई बार पोस्ट में भी एक दो दिन लेट हो जाता है तो ले लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में जब हम करते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि उस दिन लास्ट तारीख के बाद जो हमारी लाइन होती है वो क्लोज हो जाती है तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बट जब हम पोस्टल पे जाते हैं तो पोस्टल में क्या होता है कि एक दो दिन लेट ही पहुंचता है, तो कई बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, 99% एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अगर आपकी एप्लीकेशन एक तारीख दो तारीख को भी पहुंचती है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये हमारी पहली जॉब थी। तो अगली जॉब जो है हमारी वो है टीचिंग की, मतलब एकेडमिक्स की। 7 पोस्टें हैं, कॉलेज का नाम है गीतांजलि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वेस्ट बंगाल में है। मैं पहले बता दूं आपको कि ये 7 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कॉलेज कहां पर है। जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में है, बट वेस्ट बंगाल में कहां पर है वो बता देता हूं। तो गीतांजलि कॉलेज ऑफ फार्मेसी है लोहापुर नालहटी डिस्ट्रिक्ट बीरभूमि वेस्ट बंगाल 731237, ये उनका पिन कोड है। तो ये इसका फुल एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट बीरभूमि में है, वेस्ट बंगाल में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गीतांजलि कॉलेज ग्रुप डॉट ओ आर जी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए वापस चलते हैं, पहले हम जॉब के बारे में पता कर लेते हैं। तो 7 पोस्ट हैं एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीचिंग काम है। यहाँ पर जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एम फार्मा मांगा गया है। इसमें एम फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कोलोजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मेसी प्रैक्टिस, इनके ऊपर एम फार्मा जिन लोगों का है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, एक्सपीरियंस जो है वो 0 से 6 साल का है, मतलब 1 साल से 0 से लेकर, मतलब फ्रेशर से लेकर 6 साल के एक्सपीरियंस वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम फार्मा क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, बंगाल में बीरभूमि में है। उसके अलावा टीचिंग फैकल्टी है, और आखिरी डेट इसकी जो अप्लाई करने की है वो है 10 जनवरी 2021। 10 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर ऑफिशियल मेल आईडी भी दिया गया है, तो इसमें 2 मेल आईडी दिए गए हैं। पहला मेल आईडी है principal.gitanjali@gmail.com, और दूसरा है director.gitanjali@gmail.com। ठीक है, तो 2 इसके अंदर दिए गए हैं, principal.gitanjali@gmail.com और दूसरा है director.gitanjali@gmail.com। इन 2 मेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, उसके बाद आपको वाया मेल ही बताया जाएगा कि आप अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको वाया मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब आना है, कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और फर्दर फिर वहाँ पर आपकी प्रोसेस होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मेरा एक पर्सनल मेरी एक टिप भी ले लो आप, कि आप अगर इसके लिए अप्लाई करें तो अपनी सैलरी स्लिप भी उसमें डाल देना, जिससे उनको क्लियर हो जाएगा कि आपकी अभी करंट में सैलरी कितनी है और आप कितनी सैलरी डिमांड करेंगे, तो उसके बाद ही फिर वो आपको बुलाएंगे। नहीं तो पता चला कि उन्होंने आपको बुला लिया, आप इंटरव्यू के लिए चले गए, आपने अपनी सैलरी बताई, अपने जो आप मांगना चाहते हैं जितना सैलरी आप मांग रहे हैं, और उसके बाद उनको पता, आपको पता चला कि वो तो उससे कम आपको दे रहे हैं। तो उससे पहले ही अगर आप अभी जो करंट जॉब में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, एकेडमिक्स में है, इंडस्ट्री में है, जहाँ भी हैं, अपनी सैलरी स्लिप जरूर लगाइएगा, उससे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी सैलरी देनी चाहिए या बुलाना भी चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए।
ओके, अब बात करते हैं हमारी अगली जॉब की। तो अगली जॉब जिस पे हम बात कर रहे हैं वो जॉब निकली है अरविंदो फार्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंदो फार्मा जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में आती है, मतलब इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में अरविंदो फार्मा का भी नाम है। यूएस में भी इनकी काफ़ी काफ़ी कुछ सप्लाई है, मतलब यूएस एफडी अप्रूव प्लांट है। जॉब लोकेशन जो है बेसिकली वो हैदराबाद है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अरविंदो फार्मा रिसर्च सेंटर में है ये जॉब। आरएनडी के लिए जॉब निकली है हैदराबाद में। यहाँ पर जो पोजीशन मतलब जो डिजिग्नेशन दिया गया है वो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर एम फार्मा वालों को बुलाया गया है, मतलब ये जॉब जो है यहाँ मतलब ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर ऑफ फार्मेसी है, एम फार्मा है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 से 15 साल के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनको LCMS, GCMS का नॉलेज होना चाहिए, LCMS और GCMS का नॉलेज। साथ ही साथ इम्प्यूरिटी प्रोफाइलिंग के बारे में ये पूरा वर्क होगा, तो इसलिए इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि नाइट्रोसामाइन इम्प्यूरिटी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिन लोगों के पास ये नॉलेज है LCMS, GCMS और नाइट्रोसामाइन का इम्प्यूरिटी का नॉलेज है, या जिन्होंने उसके ऊपर काम किया हुआ है या प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है, LCMS की ट्रबल शूटिंग के ऊपर भी इन्होंने बात की है कि वो भी आनी चाहिए आपको। तो बेसिकली LCMS और GCMS से रिलेटेड वर्क है, नाइट्रोसामाइन इम्प्यूरिटी के ऊपर काम हो रहा है। तो जो लोग भी इसके ऊपर जो भी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सैलरी के बारे में कोई मेंशन नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि सैलरी जो होती है वो निगोशिएट की जाती है, तो वो वहीं पर आपको पता चलेगी। अगर जो भी कैंडिडेट इसके लिए चाहते हैं, मतलब जो इसके लिए एलिजिबल हैं या थोड़े से इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी में आपको आपका रिज्यूम जो है वो सेंड करना है। मैं मेल आईडी आपको बता देता हूँ, rajesh.meghnati@akesh.magantii@arbindo.com। इस पे आपको आपका जो रिज्यूमे है वो सेंड करना है, और उसके बाद फिर आपको जो भी आपका रिज्यूमे है वो उसको रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो आपको वापस मेल करेंगे और बताएंगे कि फिर आपको इंटरव्यू कब देना है, कहां पर आके देना है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो बात करते हैं हमारी अगली जॉब की, और अगली जॉब जो है हमारी वो भी टीचिंग से रिलेटेड ही है, मतलब एकेडमिक्स से रिलेटेड है। ये टीचिंग या एकेडमिक्स की जो रिक्वायरमेंट निकली है ये निकली है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंस। ये कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश में है। पोस्ट जो निकली है वो दो पोस्ट निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। बट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो पोस्ट है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए निकली है, मतलब यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन एम फार्मा मांगी गई है, एक्सपीरियंस 1 से 5 साल का है, लोकेशन कानपुर है, टीचिंग है। उसके अलावा आखिरी डेट जो है अप्लाई करने की वो है 30 दिसंबर 2020। आपको आपका जो रिज्यूम है वो सेंड करना है, तो इसमें मेल आईडी दिया गया है जिसमें आपको मेल करना है krishna.kips2019@gmail.com। एक बार और बोल रहा हूँ, krishna.kips2019@gmail.com। यहाँ पर आप अपना रिज्यूम जो है वो सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो रिक्वायरमेंट है जो उनको चाहिए, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो वो आपको फिर मेल भेजेंगे, और उसमें वो पूरी तरीके से मेंशन करेंगे कि आपको कब आना है, कब आपका इंटरव्यू रखा गया है, और उसके बाद फिर वो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली जॉब के बारे में। जो अब हमारी अगली जॉब है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। मार्केटिंग जो है वो कंपनी का नाम है पिरामल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। जॉब लोकेशन जो है वो यूपी है, यूपी में भी लोकेशन इन्होंने बताई है, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, गोंडा, अकबरपुर और शाहगंज। इन लोकेशन पे इनको MR मतलब मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। 7 पोस्ट हैं, मतलब 7 पोस्ट हैं। तो 7 पोस्टों में जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है वो मांगा है बेसिकली बी फार्मा, BSc और डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब बी फार्मा, BSc और डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले तीनों लोकेशन मतलब तीनों डिग्री वाले लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो डिप्लोमा भी है तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एक्सपीरियंस मात्र 6 महीने का मांगा गया है। उसके अलावा इन्होंने मेंशन ये किया है कि फ्रेशियर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी डेट जो है वो एप्लीकेशन की वो है 5 जनवरी 2021, मतलब 5 जनवरी 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना जो ईमेल आईडी है जहाँ पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है, तो वो रिज्यूम में जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको बता देता हूँ, hr@pyramallifescience.com।
फिर से बोल रहा हूँ, HR@piramal PRIMAL लाइफ साइंस LIFESCIENCES.com इस पे आपको आपका रिज्यूमे सेंड करना है। ये जॉब उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और खासकर वो इन एरिया में आते हैं, तो वो जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केटिंग काफ़ी अच्छा सेक्टर है एज ए ग्रोथ वाइज भी और सैलरी वाइज भी, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब के बारे में। जो अभी अगली जॉब जो हमारी है वो भी टीचिंग से रिलेटेड, अकेडमिक से रिलेटेड है। ये जॉब जो है बेसिकली ये निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन मांगी गई है PhD, M.Pharma और B.Pharma। कॉलेज है आपका सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जॉब लोकेशन है गोरखपुर, मतलब ये जो कॉलेज है वो गोरखपुर में स्थित है, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सब्जेक्ट जो मांगे गए हैं वो है पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इनमें से मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने पूरा सिलेबस के ही सब्जेक्ट लगा दिए हैं, बट जिन्होंने ये जॉब नोटिफिकेशन निकाला है। बट एक मोटे मोटे तौर पे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी से भी M.Pharma हो, बेसिकली आप किसी भी ब्रांच से M.Pharma हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको आपका जो CV है, जो रिज्यूमे है, वो सेंड करना है। इसमें किसी टाइप की डेट भी मेंशन नहीं कर गई है कि लास्ट डेट क्या है। आप अपना CV रिज्यूमे कभी भी मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के एक दो दिन में ही आप इसको आपका जो रिज्यूमे है वो सेंड कर दीजिए। जिस CV और जिस एड्रेस पे आपको आपका रिज्यूमे सेंड करना है मैं बता देता हूँ। इस तो ईमेल आईडी है spcopgkp@gmail.com, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस ईमेल आईडी पे आपको आपका रिज्यूम जो है वो सेंड करना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन या वाया मेल के थ्रू पता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है और आपका इंटरव्यू कब है, और उस दिन जाके आपको फिर कॉलेज में जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब की, और अगली जॉब जो है वो है, कंपनी का नाम है एपोटेक्स। QA की जॉब है। इसमें M.Pharma, MSc और B.Pharma तीनों लोग जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एपोटेक्स जो है वो एक कैनेडा की कंपनी है, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉरेन का ब्रांड है, मतलब सैलरी स्केल काफ़ी अच्छी है। बेसिकली यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो QA के पर्सन के लिए है, मतलब QA के लिए है। तो इसमें बताया गया है क्लिनिकल QA और BEC कंसल्टेंट। BEC एक तरह का QA कंसल्टेंट होते हैं, जो E फॉर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट होते हैं ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो वर्क है वो भी मेंशन किया गया है कि आपको ज़्यादातर GLP, GMP, CGMP इसी गाइडलाइन के ऊपर वर्क करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है वो है बेंगलोर, मतलब ये जॉब आपको बेंगलोर में करनी है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है MSc, M.Pharm, B.Pharma। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। GLP, GMP, GCP के ऊपर आपको वर्क करना है। इसकी आखिरी तारीख जो है वो 20 जनवरी है, 20 जनवरी 2021। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मतलब एपोटेक्स की जो ऑनलाइन एपोटेक्स की जो वेबसाइट है वहीं पर आपको अप्लाई करना है, और वहीं पर अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड भी करना है। ये मैंने इसका लिंक इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं मैं, और साथ ही साथ यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, एपोटेक्स नाम से मैं आपको शेयर करूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट काफ़ी अच्छी जॉब है, तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। QA की है, फार्मा इंडस्ट्री में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपोटेक्स कैनेडा का ब्रांड है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है, ड्रीम जॉब है, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब की, और अगली जॉब जो है हमारी वो है साइनोस हेल्थ। मेडिकल राइटर या मेडिकल कोडर भी कहा जाता है, ये इसकी जॉब है, ठीक है। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है आपकी, मेडिकल कोडिंग आपको करनी है। मेडिकल कोडिंग क्या होती है, तो उसके लिए मैं आने वाले टाइम पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और पूरा क्लियर करूंगा कि मेडिकल कोडिंग क्या होती है। बट जिन लोगों को पता है मेडिकल कोडिंग क्या होती है तो आप तो समझ ही गए होंगे, बट मेडिकल कोडर की जॉब है। डायरेक्ट हम चलते हैं कि क्या इसमें मांगी गई है। तो इसमें बेसिकली इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BDS है, BHMS, BAMS और M.Pharma इसमें मांगा गया है, मतलब M.Pharma वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा अगर आप B.Pharma वाले भी हैं तो भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेफरेंस मांगा गया है उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
मेडिकल कोडिंग में जितना नॉलेज हम लोगों को, मतलब फार्मा सेक्टर वालों को होता है, उतना BDS, BHMS और BAMS वालों को नहीं होता है। तो इस जॉब के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादातर फार्मा सेक्टर वाले वाले लोगों के लिए ही हैं, तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो इसमें मांगा गया है वो है FDA और ICH का पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। FDA और ICH का आपके पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, साथ ही साथ नॉर्मल जो हमारा कंप्यूटर का नॉलेज है, MS Excel, वर्ड और पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, ये चलाना आना चाहिए। जॉब लोकेशन, मतलब ये जॉब कहाँ पर है, वो हैदराबाद है। हैदराबाद में जॉब लोकेशन रहेगी आपकी। आखिरी तारीख जो होगी वो 20 जनवरी है इसकी अप्लाई करने की। और अप्लाई आपको कहाँ करना है, इसको अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई करना है। ये इसका लिंक है जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, ये इसकी लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं ये लिंक दे दूंगा, इस नाम से जो इस कंपनी का नाम है, साइनियोज हेल्थ के नाम से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपको मेल करेंगे, वाया मेल आपको बताएंगे कब आपको आपका इंटरव्यू होगा। वो वाया हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही ले लें, या अधिकतर अभी जो मैंने देखा है कि फार्मा कोडिंग के जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो ऑनलाइन मोड पर ही होते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस आपके ऑनलाइन मोड पर ही इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए तैयार रहें। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, खासकर गर्ल्स के लिए और खासकर एम फार्मा के लिए, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है हैदराबाद। सैलरी स्ट्रक्चर मैं जितना जानता हूँ काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और ज़रूर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अब अगली जॉब जिसकी मेरे बारे में बात करना चाहता हूँ वो जॉब है टीचिंग की, मतलब एकेडमिक्स की है। कॉलेज का नाम है ब्रह्मानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज बुलंदशहर में है। बेसिकली इसमें जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो मांगी गई है एम फार्मा, उसके अलावा फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब जितनी भी कोर ब्रांचेस हैं वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम फार्मा है, कॉलेज बुलंदशहर में है। उसके अलावा आखिरी डेट जो अप्लाई करने की है वो है 5 जनवरी 2021, मतलब 5 जनवरी 2021 तक आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। रिज्यूम कहाँ पर सेंड करना है तो मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ। ईमेल आईडी है BGIBSR, फिर से बोल रहा हूँ BGIBSR@gmail.com। इस मेल आईडी पे आपको आपका जो रिज्यूमे है वो सेंड करना है, उसके बाद आप वो आपकी पूरी क्वालिफिकेशन और पूरा रिज्यूमे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो आपको मेल करेंगे और वो बताएंगे कि आपका इंटरव्यू जो है वो कब है, कब ऑर्गेनाइज किया गया है, और फिर आपको इंटरव्यू देना है। कॉलेज का नाम है ब्रह्मानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि बुलंदशहर में है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और भी वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर मुझे इसके लिए सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आने वाले टाइम पे मैं इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा, और समय समय पर टाइम पर जब भी जॉब्स निकलेंगी तो मैं आपको वाया वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, जिससे आपको टाइम पर ये पता चलता रहे कि कब कौन सी जॉब निकल रही है, आपको कैसे अप्लाई करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो बस यही चाहता हूं कि सभी बच्चों की जॉब लगे, वो अपने करियर में आगे बढ़ें। उसके अलावा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।